हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए करें एक बहुत ही आसान सी मूंग दाल के हलवे की रेसिपी। आई नो आप लोगों में से बहुत से लोगों का मूंग दाल का हलवा फेवरेट होगा, तो आइए इसे देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, एकदम परफेक्ट। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है 1 कप मूंग दाल। ये हमने पीली वाली मूंग की दाल ली है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, इसमें की एक तरीके की दाल होती है, लेकिन आपको यहाँ पे ये पीली वाली मूंग की दाल लेनी है। इसको सबसे पहले हमने वॉश करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक छन्नी ले लिया है। इसमें ये दाल को डालना है और अच्छी तरीके से 1-2 पानी से इसे बढ़िया से वॉश कर देंगे। इस तरह से छन्नी में लेके आप वॉश करिए तो आपको आसानी होगी। काम को आप आसान तरीके से करिए, मुश्किल तरीके से नहीं, तो काम करने में भी मज़ा आता है। ये मूंग दाल का हलवा ज़्यादातर सब लोग बहुत बनाते हैं और खाते भी हैं, लेकिन इसकी जो परफेक्ट रेसिपी वो सबको नहीं समझ में आती है, क्योंकि कोई रेसिपी जो होती है थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं या फिर कोई बहुत ज़्यादा उसमें तामझाम होता है, लेकिन ये हम एकदम सिंपल सी बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे हमने दाल को जो अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, अब इसे आपने क्या करना है, इसे वॉश करके आपको एक प्लेट लेनी है, उसके ऊपर ये जो दाल है हमारी उसे फैला लेना है और इसे हमें बिल्कुल ड्राई करना है, क्योंकि जो दाल में पानी है वो नहीं चाहिए बिल्कुल। तो इसी तरह से एक प्लेट पे इसको फैला लेंगे, उसके बाद आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए या फिर इस तरह से टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसे इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, आप इसे ड्राई कर दीजिए, या फिर आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे रख दीजिए, खुद ही खुश्क हो जाएगी, लेकिन आपको एकदम इसे खुश्क करना है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियो को आगे देखिए, ताकि आपको और भी मेरी वीडियोस देखने को मिलती रहें। यहाँ पे हमने दाल को अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है, अब इसके बाद एक पैन लेना है। ये दाल हम पैन में रोस्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने पैन में कुछ भी ऐड नहीं किया है, डायरेक्ट हमने यह दाल डाल दी है। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक के रोस्ट करना है। इससे क्या होगा, जो दाल में अभी थोड़ा सा ये पानी से हमने वॉश किया है तो इसमें थोड़ा सा टेक्सचर रह जाता है, पानी का जो मॉइस्चर है इसका वो ख़त्म हो जाएगा, और जो दाल है इसको अगर हम रोस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, इसमें अच्छी से क्रिस्पनेस और खुशबू आने लगती है। तो ये दाल का हलवा बनाने में सबसे अच्छा जो यहाँ पे पार्ट ये है कि आपको दाल को भिगाना नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, बस आपको यहाँ पे दाल को वॉश करना है, उसे खुश्क करना है, उसे रोस्ट कर लेना है और फिर इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडे होने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो दाल का कलर है, इसे हमने 3 से 4 मिनट तक के लो फ्लेम पर ही रोस्ट किया था, तो दाल का कलर भी चेंज हो गया है। इसे ठंडा करके इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, तो यहाँ पर हमने ग्राइंडर जार ले लिया है, उसमें जो दाल है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एकदम दाल का फाइन पाउडर भी नहीं बनाना है और ना ही एकदम दरदरा रखना है, तो यानी कि बीच का रखना है। आप इस तरह से देख सकते हैं, जब आप दाल को चेक करिए तो उसमें हल्के से जो दरदरापन होता है वो होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी ना हो। उसके बाद हम एक चाशनी बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर लिया है 1 कप शुगर ले लिया है। आप अगर मीठा ज़्यादा रखना चाहें तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हम इसमें मावा ऐड करेंगे, तो मावा में भी स्वीटनेस होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर शक्कर वो कम रखी है। अगर आप मावा नहीं ऐड कर रहे हैं तो आप इसमें 1/2 कप शक्कर और बढ़ा दीजिए। और इसके साथ हमने इसमें 1 लीटर पानी ऐड किया है, 2 हरी इलायची और 10-12 धागे में यहाँ पे केसर के ऐड किया है। केसर एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा फ्लेवर और कलर दोनों चीज़ें इन्हांस हो जाएंगी, इसीलिए हमने यहाँ पर केसर का यूज़ किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है, चाशनी बनाने में आपको बहुत ध्यान रखना है कि चाशनी आपको 1-2 तार की नहीं बनानी है, बस आपको इतना ही वेट करना है कि शक्कर जो है वो उसमें अच्छी तरह से घुल जाए। जब इस टाइम पे शुगर घुल जाएगी, यानी कि ये चाशनी एकदम रेडी हो गई है। चाशनी बनाने से क्या होगा, आपका काम भी आसान हो जाएगा, और यहाँ पर हमें ज़्यादा पानी की चाशनी बनानी पड़ती है क्योंकि दाल को पकाना भी है हमें। इसके बाद हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। हमने यहाँ पे कई मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इन्हें हमें चॉप कर लेना है बिल्कुल बारीक बारीक। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने सिर्फ चॉप कर लिए हैं और कुछ डेकोरेशन के लिए रख दिए हैं। इसके बाद हमने लेना है 1 टीस्पून रवा लिया है हमने, यानी कि सूजी, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर बेसन लिया है। इन दोनों चीज़ों को भी ऐड करेंगे। एंड देन हमें एक बड़ी सी कढ़ाई लेनी है हलवा बनाने के लिए। यहाँ पर हमने 1/2 कप घी का यूज़ किया है, बाकी घी हम थोड़ा और ऐड करेंगे। इसमें बहुत ही सिंपल थिंग होती है, आप जितना घी ऐड कर रहे हैं, यानी कि जितनी दाल लें उतने घी ऐड करके, तो बेसिक प्रोसेस बहुत सही रहता है। सबसे पहले घी ऐड करने के बाद हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेने हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हम हलवे में डालेंगे वो हमने यहाँ पे इसे फ्राई कर लेंगे। ये हमने चाय वाली छन्नी ली है, उसमें इस तरह से आप डाल के फ्राई कर लीजिए। इससे क्या होता है, बहुत ही ईजी सा ये एक हैक है, जिससे आपके ड्राई फ्रूट्स अगर आप तेल में डालते हैं तो वो जल्दी जलने भी लगते हैं और निकालने में मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इस तरह से ये हैक को यूज़ करिए और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लीजिए।
तो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने के बाद उसी कढ़ाई में हमने यहाँ पे ऐड किया है बेसन, इसे अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद इसमें हम ये रवा भी ऐड कर देंगे। और आप ध्यान रखना है कि जो आपका घी है वो ज़्यादा गर्म ना हो, आपको मीडियम फ्लेम पर ही इसे कुक करना है, वरना क्या होगा, ये जो हलवा है वो जलने लगेगा। अब यहाँ पे आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसे बनाने में टाइम भी लगेगा और आपको बहुत पेशेंस लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे हलवा बनता है, देर तक पकता है। यहाँ पर इसे बस चलाते रहना है, जब ये इस कलर इसका चेंज हो जाए, यानी कि बिस्कुटी कलर का हो जाए, तब आपको इसमें ये मूंग दाल डाल देनी है और इसे भी इसे चला चला कर मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो ये अलग अलग भी हो गया है। एंड देन आप इसे 4 से 5 मिनट तक के भूनना है। जब इसमें अच्छी सी स्मेल आने लगा, उस स्टेज पर आपको जो हमने चाशनी रेडी की थी वो ऐड कर देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने चाशनी ऐड कर दी है। थोड़ी थोड़ी चाशनी हम ऐड करते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई जो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इस तरह से थोड़ी चाशनी ऐड करना है, फिर इसे मिक्स करना है, फिर ऐड करना है, फिर मिक्स करना है। ये प्रोसेस आपको 3 से 4 बार में कंप्लीट कर देना है, लेकिन जल्दी जल्दी ही करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आप हलवा बना रहे हैं वो आपका ज़्यादा है और जो कढ़ाई है वो और बड़ी, जितनी बड़ी आप ले सकते हो उतनी बड़ी ले लीजिए, लेकिन इसे चलाने में थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसीलिए। और यहाँ पे ध्यान रखिए, जब आप हलवा बनाते हैं तो इसमें ये इस तरह से बबल होते हैं, तो ये बहुत डेंजरस होते हैं, अगर कहीं पर पड़ जाएंगे तो आप जल जाएंगे, तो थोड़ा सा दूर होकर इसे चलाते रहना है। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है बनाने में, इसे चलाते रहना है, आपका हाथ भी काफ़ी दर्द करने लगेगा, लेकिन हलवा ये जितना ज़्यादा पकेगा उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और ये आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो गया है। इसे पकाते हुए हमें पूरे आधा घंटा हो गया है, तो हमने यहाँ पे आखिर में हमने थोड़ा सा मावा ऐड किया है। और आपको हमने पहले बताया है, अगर मावा आप नहीं ऐड कर रहे हैं तो आप उसकी जगह पे शुगर को ज़्यादा कर लीजिएगा, यानी कि चाशनी में शुगर ज़्यादा हो। और जब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हलवा अच्छे से पकने लगेगा तो घी छोड़ देगा, उस स्टेज पर आप समझ जाइए कि आपका हलवा एकदम रेडी हो गया है। इसे बनाने में हमें पूरे 45 मिनट लग गए हैं, और ऐट लास्ट हमने इसमें जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो ऐड कर दिया है। कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स किया है एंड ये रेडी हो गया है। चलिए इसे अब सर्व करते हैं। हमने यहाँ पे इसे सर्व किया है, उसमें हमने गार्निशिंग में ऐड किया है हमने बादाम, काजू, पिस्ता, आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहें उसे ऐड कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतना यम्मी ये मूंग दाल का हलवा बनकर तैयार हुआ था, इतना इजी मेथड है। आप लोग भी वीडियो देखिए और इसे बनाकर ट्राई कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय।